तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम आपको सिखा रहे हैं जैसे कि NTPC और ग्रुप डी आपको एग्ज़ाम निकालना है। जैसा कि बताया गया है कि दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होने वाली है, दिसंबर में। तो इसके लिए एग्ज़ाम होती है CBT। तो सबसे पहले देख लेते हैं NTPC का CBT क्या होता है। इसमें देखिए आपका दो एग्ज़ाम होगा, CBT 1 और CBT 2 NTPC के लिए। तो देखिए, तो इसमें बताया गया है मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, देखिए इसमें आपको NTPC CBT 1 में बताया गया है मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। और एक अंतर आप लोग देख लीजिए, ग्रुप D CBT में बताया गया है मैथ्स, रीजनिंग, साइंस जनरल अवेयरनेस। देखिए दोनों में अंतर है, यहाँ पे आपको तीन ही सब्जेक्ट हैं, इसमें देखिए चार सब्जेक्ट दिया ग्रुप D में, 1, 2, 3, 4। ऐसा क्यों? देखिए इसमें जो मैथ पूछ रहा है ये 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स का, 90 मिनट आपका समय रहेगा। इसमें देखिए आपका मैथ्स में से 30 क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग में से भी 30 क्वेश्चन आ रही है और जनरल अवेयरनेस में से आपका 40 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इस ग्रुप D CBT में देख लीजिए, मैथ 25 मैथ्स में से, साइंस में से 25 और रीजनिंग में से 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस में से आपका 20 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन है और टाइम जो है 90 मिनट इसमें भी है। तो अब देखिए दोनों में जो है मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, करंट जनरल अवेयरनेस, इसमें एक मैथ है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है। अब देख लीजिए कहीं पर भी आपको जनरल अवेयरनेस कहा जाएगा तो जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? जनरल अवेयरनेस में तीन सब्जेक्ट आपका होता है, एक आपका हो गया जनरल अवेयरनेस के अंदर में। पहले तो हमको ये जानना होगा ना कि हमको क्या सब चीज़ पढ़ना है, जो चीज़ पढ़ना कहाँ से आ रही है। तो एक तो इसमें होता है साइंस पेपर, साइंस पेपर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है, यही तीन सब्जेक्ट साइंस का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, साइंस है उसका। फिर देखिए एक होती है आर्ट पेपर, साइंस में देखिए आपका फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ और बायोलॉजी हुआ। आर्ट पेपर है इसमें देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और बेसिक GK, गेम GK, यानी कि 3, 2, 5, 4, 2, 6 सब्जेक्ट होता है आर्ट पेपर में। और तीसरा जो पेपर है वो होता है करंट अफेयर्स। तीसरा पेपर है करंट अफेयर। अब देखिए करंट अफेयर जो आपको क्या सब पढ़ाई करनी है, करंट अफेयर्स का क्या मतलब होता है, करंट अफेयर्स का मतलब क्या, दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें हमेशा घटती रहती है, अब उसमें से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो हमको कैसे पता है, या फिर हमको क्या पता कि क्वेश्चन मतलब कि कहाँ से पूछे हमको कैसे पता चलेगा। तो आप देखिए कि न्यूज़ चैनल में या फिर पेपर के जो अखबार होते हैं उसका हेडलाइन जिस चीज़ से शुरू होता है या फिर जो भी टॉपिक बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक आ जाती है, जैसे कि कोई भी नियम कानून बन गया और वो मतलब लोग प्रत्येक लोगों तक वो पहुंच गया या वो विवादित हो गया क्या हुआ। तो अभी देखिए अभी आसपास के दिन में क्या सब चीज़ ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो एक तो कोरोना वायरस चल रहा है, उसके बाद एक है अभी जस्ट आया है किसान के लिए बिल आया है तो वो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, उसका फिर स्टूडेंट्स का मुद्दा है, एक नया चीज़ आ रहा है CET, वो सब बिल्कुल ट्रेंडिंग है, या फिर कहीं की सरकार बदलेगी या फिर जम्मू कश्मीर के साथ जो सब हुआ तो वो सब चीज़ बिल्कुल ट्रेंडिंग जो कि लोगों तक पहुंचा है।
तो इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक, जो कि आपका हो सकता है एक तो हमारे देश का हुआ, इंडिया का। पहले राजनीतिक रूप में आते हैं, राजनीतिक रूप में कहाँ पे क्या बदलाव हुआ, एक तो हुआ इंडिया का और एक हुआ इंडिया से बाहर का, तो इंटरनेशनल उसको बोल सकते हैं। चलिए, और तीसरा जो हम ले सकते हैं उसको वो ऑर्गेनाइज रूप में, जैसे कि कोई संगठन, खेल संगठन हुआ या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन, चाहे इंडिया का रहे कहीं का भी रहे, कोई भी न्यूज आई तो करंट अफेयर में हाल फिलहाल में 1 साल 2 साल के अंदर में जो चीज़ आती है वो चीज़ है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कितना समय पहले का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम आपको बता रहे हैं कि कितना समय क्वेश्चन की वैलिडिटी होती है। जैसे देखिए वर्ल्ड कप क्रिकेट जो होता है 4 साल में एक बार होती है। अब मान लीजिए पिछला जो वर्ल्ड कप है कब हुआ था, 15-16 में हुआ था ना, फिर 19 में हुआ, फिर अगला जो वर्ल्ड कप है 2023 में होगा। तो ये 4 साल में एक बार, जैसे ओलंपिक खेल जो है 4 साल में एक बार आती है। तो अब मैं जैसे मान ली अब ओलंपिक पिछला चाहे 2019 में वर्ल्ड कप हुआ, अब अगला वर्ल्ड कप 2023 में होगा, तो 2019 में से जितना क्वेश्चन निकल के आया तो 2023 तक उस क्वेश्चन का वैलिडिटी रहा। जैसे कोई अवार्ड, जैसे ऑस्कर अवार्ड हुआ, ऑस्कर अवार्ड साल में एक बार दी जाती है, तो ऑस्कर अवार्ड वाला क्वेश्चन जो है वो 1 साल तक चलेगा, अगले साल क्वेश्चन बदल जाएगी। जैसे नोबेल पुरस्कार हुआ साल में एक बार दी जाती है, तो उस क्वेश्चन की वैलिडिटी होती है 1 साल। जैसे कुंभ मेला हुआ, कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है, तो एक बार कुंभ मेला लग गया तो उसका क्वेश्चन का वैलिडिटी 12 साल रहा। तो यही सन, ये सब चीज़ें हमको कवर करके रखनी पड़ती है। खैर ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, हम सबको दे देंगे आपको। तो ये रहा आपका जनरल अवेयरनेस में से, ये आपका NTPC CBT 1 के लिए है। यहाँ पर देखिए ग्रुप डी का CBT है टेस्ट, इसमें देखिए आपका 4 सब्जेक्ट लिखा। जनरल अवेयरनेस का जो कर ये वाला साइंस सेक्शन है इसको ये अलग निकाल दिया, ठीक है। कि जनरल अवेयरनेस में तो साइंस का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन साइंस का स्पेशली हम 25 क्वेश्चन पूछेंगे अलग से, जबकि इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें क्या है कि पूरा जनरल अवेयरनेस मिला करके हम आपको 40 क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब 40 क्वेश्चन में से हिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, ज्योग्राफी ज़्यादा रहेगा, हो सकता है फिजिक्स ही ज़्यादा पूछते, यानी कोई भी सब्जेक्ट कितना भी पूछ सकता है। ये है NTPC का। और ग्रुप डी में क्या है कि इस देखिए 25 और 30 कितना हो गया, 55 क्वेश्चन के बाद बच गया आपका ये 25 क्वेश्चन जो है आपका साइंस का स्पेशली है, 25 क्वेश्चन साइंस का पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में से भी में भी साइंस आ जाती है, तो इस क्वेश्चन में भी 2-4 क्वेश्चन साइंस का आ सकता है। तो 25 और 5 30 मान लीजिए 30 क्वेश्चन साइंस का है, और जनरल अवेयरनेस में से लगभग 50% जो है अभी करंट अफेयर्स पूछ रहा है। तो इस 20 में से लगभग में कितना 10 क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर्स में। तो अब देखिए हिस्ट्री जोर 8 पेपर जो है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस बेसिक GK गेम GK, इसमें से कितना क्वेश्चन बचा, तो 5-6 क्वेश्चन बचा है। हो सकता है हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर हिस्ट्री नहीं पूछेगा तो ज्योग्राफी में 2 पूछ लिया, कहीं से भी कुछ पूछ लिया, लेकिन ज़्यादा चीज़ तो पढ़ना ही नहीं है। जबकि NTPC के लिए 8 पेपर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये 40 नंबर में से लगभग में 20 नंबर कवर करेगा। और ग्रुप डी में देखिए ये जो 8 पेपर हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस बेसिक GK, ये सब में से लगभग में 5 ही क्वेश्चन पूछ रहा, 5-6 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ग्रुप डी में नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन NTPC में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तरह इसका सिलेबस, अब हमको ये सब को कवर करना है। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं NTPC CBT 2 का, उसको हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। बस ये सब बस समझने की चीज़ है ज़्यादा, मतलब देखिए कोई भी एग्जाम हो तो हम निकाल ही लेंगे। अब निकाल लेंगे उसके लिए हमको रणनीति पता होगी तब ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछ ही नहीं ना, और हम पूरा पूरा ध्यान लगा दिए हिस्ट्री में, तब आप बोलिए कि सर हमने तो यार हिस्ट्री तो बहुत मेहनत करके पढ़ाई की थी, लेकिन हमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया, हमारा मेहनत बर्बाद हुआ, या फिर वो बोलिए कि क्वेश्चन ही सेट था। तो हमको कैसे पढ़ना है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उस पर हमको ध्यान देना है। अब पूछ रहा है कुछ और, पूछ रहा है मैथ रीजनिंग, आप पढ़ के जाएंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो हमको बस ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आ रहा है उसको पढ़ना है, और कम क्वेश्चन जहाँ से आ रहा है उसको भी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा कम पढ़ना है, या फिर उसका इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ के ज़्यादा डीप से नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए समझ में आ गई बात।